ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। साउथ दिल्ली अंबेडकर नगर दक्षिणपुरी में चुनाव को लेकर जिस तरह से जनता में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं बड़वा मार्केट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर पगड़ी पहनाकर माला डालकर और चुन्नी डालकर स्वागत किया। वहीं अशोक बाबा ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार चुनावी रुझान आने वाला और वहीं पूरे देश के अंदर जीत आने वाली है और देखा गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किस तरह से उत्साह मनाए जा रहे हैं और खुशी रोकी नहीं जा रही उनसे। और कहीं ना कहीं एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट आने वाला है, कल 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से पहले ही लोग इतनी खुशी मना रहे हैं नरेंद्र मोदी के एकदम पुतले के ऊपर पगड़ी पहना के और चुन्नी उड़ा के। जो बात करें तो एक अंबेडकर नगर विधानसभा के नाम खड़े हैं और जो यहाँ से जो प्रत्याशी लड़े हैं रामवीर सिंह भिदुड़ी, सीधे ही बात करते हैं मुकेश जी, क्या कहना चाहोगे जी, क्या आप लोग पहले ही आंकड़ा लगा रहे हो और जो 400 पार का नारा जो नरेंद्र मोदी का वो साकार हो रहा है? 400 पार नहीं, नरेंद्र मोदी का साकार 420 और 450 भी जा सकती है। वो नरेंद्र मोदी ने देश हित में काम किया है। जो नरेंद्र मोदी जी, जो भगवान के अवतार कह लो चाहे कुछ भी कह लो, कि 500 साल राम को कोई नहीं ला सकता, पर उन्होंने राम का मसला हल किया 500 साल बाद, जिन्होंने मंदिर बनाया, जो देश हित में धारा 370 हटाई, तो ऐसा प्रधानमंत्री 140 करोड़ का दिल की धड़कन, उनके आन बान शान, जो देश हित में काम करते हैं, आज तक 70 साल में किसी ने काम नहीं किया। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। और हम तो तब से नरेंद्र मोदी 2014 में भी हमने विपक्ष तो उंगली उठा रहा है आपके ऊपर, ईवीएम में घोटाला चल रहा है उसको लगातार आपको लिए बोल रहे हैं, वो आप किस तरह से रोकेंगे? आपने कैसे कह दिया 400 पार है? ऐसा है ना, ईवीएम में तो तब केजरीवाल यहाँ का मुख्यमंत्री बना था, तब तो ईवीएम कहाँ गया था, तब पंजाब में ईवीएम कहाँ गया था, महाराज कहाँ पे, जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ से ईवीएम कहाँ गया था? ये तो सब दिखावा है, लोगों को गुमराह करना है। केजरीवाल ने, जनता ये कह रही है अरविंद इस बार बदलाव ला रही है और कहीं ना कहीं जो आपके जो आंकड़े हैं वो फेल नजर आ रहे हैं, जनता का कहना है ये? भाई साहब, जो इनकी मानसिकता देखो, जो हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे जेएनयू के, ईसा अल्लाह, मैं कह रहा हूँ 400 पार नहीं तो 380 जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो जिस सीट से आप बात कर रहे हो, कन्हैया वाली सीट से, वहां से मनोज तिवारी है, मुझको लगता है सर मनोज तिवारी की जमानत जब्त भी हो सकती है। भाई साहब, मनोज तिवारी की जमानत जब्त होगी ना तो हम अपने सिर की कलम अपना सिर कटवा देंगे। मनोज तिवारी भारी बहुमत से जीतेंगे, कम से कम 1 लाख से ज्यादा जीतेंगे। और कन्हैया जो देश का, जो गद्दार है हमारे देश का, खाते हैं देश का नमक हराम करते हैं, जो देश का खा के, जो ईसा अल्लाह। चलिए कुछ और लोग भी जुड़े जी, आप लगातार जो खुशी मना रहे हो शायद पूरा देश खुशी मनाएगा और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखेगा। जो 404 का पार जो नारा आप दे रहे हो, तो 400 पार बता सकता हूँ कितने आएंगे, आप जोशी हो? अगर मैं जोशी नहीं हूँ तो फिर आप कैसे, एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, 404 आएंगी और मोदी ही जीतेगा, हमें इतना विश्वास है। अगर मोदी नहीं आया ना तो मैं अपनी दुकान भी बंद कर दूंगा, इतना। चलिए चलिए, देखा कितना उत्साह है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस तरह से देखा जाता है कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में किस तरह से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता कितना मतदान करा है और जनता के बीच में कौन सी सीट आती है कौन सी नहीं आती है वो वक्त बताता है। और कहीं ना कहीं जो जनता 4 तारीख को पूरा रिजल्ट देगी। कैमरा अंकित के साथ दीपक कुमार, C12 न्यूज दिल्ली। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।